पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। यूं तो हर किसी का ध्यान उत्तर प्रदेश पर केंद्रित हो चुका है और उत्तर प्रदेश में भी बात की जा रही है तो मुस्लिम वोट किसे मिलेगा उसको पाने के लिए हर कोई कमर कस रहा है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोटर क्यों हाशिए पर है, इसी पर हमसे बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट इस्माइल बाटली वाला सर मौजूद है। मैं जानना चाहूंगा सर, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार उत्तर प्रदेश से मुस्लिमों को लेकर के सामने आ रही हैं, कभी धर्मांतरण के नाम पर फंसाने की कोशिश की जाती है और कभी जो है आतंकवाद का आरोप लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं क्या धर्मांतरण और आतंकवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी भुना करके चुनाव जीत पाएगी उत्तर प्रदेश में? पहले तो नदीम अकरम साहब, मैं पल पल न्यूज को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें हमसे संपर्क किया और हमें अपने चैनल पर मौका दिया हमारी बात रखने के लिए। दूसरी बात जो आपने कहा है कि भाई आतंकवाद और धर्मांतरण का मसला है और अभी और भी एक कानून आए हैं जो आबादी कम करने के लिए उसके लिए भी है, इस तरह के तमाम जो एक्टिविटी चालू हुई है अचानक इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए पोलराइजेशन करने का इरादा है, इसलिए ये सारी हरकतें अभी चुनाव के वक्त ही आई है। लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रहा है कुछ भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन पोलराइजेशन नजर नहीं आ रहा है, तो होने के कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन कुछ चीजें हमारे जो लीडरशिप है मुझे उनसे अक्सर शिकायत हुआ करती है। मुझे शिकायत सामने वालों से नहीं होती है बल्कि मुझे अपनी लीडरशिप से शिकायत होती है कि उनके ट्रैप में आ जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं और उनके मनसा के मुताबिक ये रिएक्शन देते हैं, रिएक्ट होकर के अपनी बयानबाजियां शुरू कर देते हैं जो पोलराइजेशन होने में काफी मदद करती है, समझे साहब जी। लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ, अभी उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से नजर बनाए हुए हूँ लेकिन कुछ भी पोलराइजेशन होने की संभावना नजर नहीं आ रही। अभी कश्मीर में भी एक हादसा दिखाया गया, धर्मांतरण का हादसा दिखाया गया, आतंकवाद का भी हादसा दिखाया गया और जनसंख्या नियंत्रण का भी मामला सामने लाया गया। ये पोलराइजेशन का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप अगर संजीदगी से गौर करे और नपे तुले बयान दे, ऐसा मेरा कहना नहीं है कि उन्होंने नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं तो उन्हें बोलना होगा, लेकिन वो बोल नहीं बोलना चाहिए जो सामने वाले को फायदा पहुंचाता। जी जी स्पेंसर, मैं ये यहाँ देख रहा हूँ लगातार उत्तर प्रदेश में जो इंसिडेंट सामने आए, हमेशा जो सवाल हैं मुस्लिम तंजीमों के ऊपर जरूर खड़े हुए हैं कि ऐसी नौबत क्यों आती है कि जब ऐसी घटना घटती है तो पूरी तरीके से चुप्पी साध ली जाती है मुस्लिम तंजीमों द्वारा। और दूसरा जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात इसमें यह आती है कि जब ऐसी घटना घटती है तो तमाम तंजीमें उठ करके चली जाती हैं, फोटो खिंचवा लेती हैं कि जी केस हम लड़ेंगे, पर जमीनी स्तर पर जब इंसाफ मिलता है तो 20-22 साल का समय बीत जाता है और उस बीच परिवार पल पल की मौत मरता है। किस तरीके से देखते हैं जो ये खामोशी खासतौर पर साध ली जाती है? नदीम अकरम साहब, जो शिकायत आप कर रहे हैं वही शिकायत मुझे भी, जब कोई मामला दरपेश होता है सामने आता है तो हमारी जो कयादत है, मैं उस कयादत की बात नहीं कर रहा हूँ जो बेचारे गलियों में मोहल्लों में छोटे छोटे लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाई प्रोफाइल जो लीडरशिप हमारी मजहबी और राजनीतिक लीडरशिप यह है, उसकी दिक्कत यह है जब कोई हादसा होता है, कोई मामला सामने आ जाता है तो इनके पास टीम है, इनके पास तमाम असबाब हैं, इनके पास वर्कर हैं, इनके पास सभी ताकतें हैं, उनसे ये काम नहीं लेते हैं। बल्कि चाहिए ये था
कि जहां हादसा हुआ जिनके साथ मामले हुए हैं उनके साथ जुड़ करके वहां पर उनकी मदद के लिए खड़े हो जाएं। मदद के लिए खड़े हो जाएं से मुराद यह है, देखिए जब तक आप कानूनी जकड़न नहीं जकड़ोगे, कानूनी पकड़ में नहीं लाओगे सामने वाले को जिसने मामले को किया है, जैसे कि मॉब लिंचिंग हो गया, अगर उस मॉब लिंचिंग करने वालों को आप कानूनी जकड़न में नहीं जकड़ पाओगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, कोई उसका इलाज नहीं है। चाहिए तो ये कि जहां मॉब लिंचिंग होती है, जहां इस तरह के मामलात आते हैं, वहां मेरी सुझाव यह है कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं से और जो हमारी मिली तंजीमें हैं, बड़ी तंजीमें हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि जिस तरह जब भी कोई इस तरह का हादसा हो वो 5 लोगों की अपनी टीम को जो है ऑथराइज करें और बाकायदे जो डिपार्टमेंट जो ताल्लुक रखता है उनको लिखकर भेज दें कि भाई ये हमारे 5 नुमाइंदे हैं, इस मामले की छानबीन करेंगे, जांच करेंगे और आप इनकी इनको सहयोग करें। तो मुझे यकीन है कि वो डिपार्टमेंट इनको सहयोग करेगा, लेकिन कब, जब हमारे नेशनल लीडरशिप एक टीम की शक्ल में उनको भेजेगी तब वो कॉपरेट करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। इनफरादी तौर पर कोई जाएगा तो वो सहयोग उनको मिलेगा नहीं। तो मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ पल पल न्यूज चैनल के माध्यम से कि जो हमारी मिली तंजीमें हैं, राजनीतिक तंजीमें हैं, उनसे गुजारिश है कि जब कोई मामला हो तो मुकामी लोगों के 5 लोगों की एक टीम डिपार्टमेंट के साथ भेज दें और साहेब मामला जिनके साथ हादसा हुआ है उनके यहाँ भेज दें और उन्हें भी यकीन दिलाए कि भाई हम आपके साथ हर लिहाज से खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं और आप लोग डरिए नहीं, बेबाक होके बेखौफ हो करके आपको काम लेना होगा। जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं, डटकर खड़े हैं, तो उनका जो है मुलजिम के जो रिश्तेदार हैं उनकी हिम्मत बढ़ेगी और वो सामने आएंगे। जब वो सामने आएंगे तभी लड़ाई बेहतर लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर वो कमजोर पड़ते हैं, किसी लिहाज से भी कमजोर पड़ते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि अदालती प्रक्रिया में उसका कोई नतीजा बेहतर आएगा। इस्माइल साहब ये ना करते जी, एक सेकंड जी नदीम साहब, ये ना करते हुए हमारी जो कयादत है वो मीडिया में चली जाती है, अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले देते हैं, टीवी पर डिबेट करे चले जाते हैं, इससे क्या नतीजा होने वाला है? आप हजारों टीवी चैनल पर डिबेट कर लीजिए, लाखों की भीड़ जमा करके धरना मोर्चा कर लीजिए, कितने भी बहस मुबाहसे कर लीजिए, अदालत में इसकी कोई माने नहीं होते हैं, वो बंदा अदालत में हार जाएगा जिसके साथ हकीकत में अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है। अगर आप डिबेट के सहारे, मीडिया के भाषणबाजी के सहारे, टीवी के सहारे, अखबारों के सहारे या आंदोलन और धरने मोर्चे के सहारे आप समझते हैं उसे इंसाफ मिलेगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल ही इंसाफ नहीं मिलेगा। कानूनी प्रक्रिया अलग है, धरना मोर्चा और डिबेट का प्रक्रिया अलग है साहेबों, धरना मोर्चा आंदोलन और डिबेट ये प्रचार का माध्यम है, अदालत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कानूनी प्रक्रिया में इसकी कोई औकात मानी नहीं जाती है। अदालत में कानूनी प्रक्रिया में 2 चीजों की जरूरत है, मजबूत गवाह और बेहतर सबूत और बेहतर पैरवी की। यकीनन आपके साथ इंसाफ होगा, यहाँ की अदालतों में जो आप देख रहे हैं हमारे खिलाफ कुछ भी आ जाते हैं फैसले, वो हमारी पैरवी में कमजोरी होती है, हमारे सबूत में कमजोरी होती है, हमारे गवाहों में कमजोरी होती है, इसलिए नतीजे हमारे फेवर में नहीं आते हैं। इस्माइल साहब, इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं उन तस्वीरों के आधार पर ही वोट मांगे जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सियासत करती हुई नजर आती हैं। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, बसपा की और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अलग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं, एक मैसेज वायरल किया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो डरा हुआ है और मुसलमानों को डर से आजादी जो है आप हमें वोट दीजिए तभी जाकर के आपको इस डर से आजादी मिल पाएगी। किस तरीके से देखते हैं, क्या वाकई में भारत का मुसलमान डरा हुआ है?
नदीम अकरम साहब, बहुत अच्छा सवाल कर लिया है आपने। मुझे इस पर बोलने में डरा हुआ कौन है, ये जिला प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन में समझ में आ गया है। समझे साहब, जिला प्रमुखी में क्या हुआ है, समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस, यहाँ तक के पीस पार्टी और हमारे ओवैसी साहब की एमआईएम के जितने नुमाइंदे चुनकर आए थे, सबों ने वोट किया है बीजेपी को, तभी 75 सीटों में से 67 सीटों में आई है जी। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो उसमें प्रशासन की तरफ से जिस तरह के एक्टिविटी हुई है या जिस तरह का उन्होंने पोजीशन संभाला है, ये सारे लोग जो है, जो नेता लोग हैं, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ये अपने घरों में बैठ के ट्वीट कर रहे थे, तो डरा हुआ कौन है। मैं उन्हें यह संदेश देना चाहता हूँ, डरे हुए तुम हो, हम बिल्कुल डरे नहीं है। हमारा प्रॉब्लम डर नहीं है। अखिलेश जी सुन लीजिए, मायावती जी सुन लीजिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सुन लीजिए, हमारा प्रॉब्लम डर नहीं है, डरे हुए नहीं है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो कयादत है, चाहे वो राजनीतिक कयादत हो, चाहे मजहबी कयादत हो, उनमें इत्तेहाद नहीं है, आपस में कोई तालमेल नहीं है, बिखराव है। ये हमारा कारण है। हम डरने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन हमारा बिखराव है, इस वजह से हमें मात खानी पड़ जाती है हर माह में। न्यूज चैनल के जरिए मैं आपको संदेशा देना चाह रहा हूं कि हम जो है उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, डुमरियागंज इलाके से रहने वाले हैं, मुंबई में सेटल हैं यहाँ पर, लेकिन बस ये लॉकडाउन का प्रॉब्लम थोड़ा क्लियर हो जाए, हम इंतजार कर रहे हैं कि हम जाकर के उत्तर प्रदेश में बैठेंगे और देख लेते हैं कि कौन डरा हुआ है और कौन निडर है, और हम इत्तेहाद की कोशिश के लिए वहां पर बैठने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। चुनाव में काफी जो है हम एक्टिव रहने वाले हैं, और हर पल वहां की जो जानकारी होगी उसको ध्यान में रखते हुए हम वहां पर डिसीजन लेंगे। हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में मौजूद होगी सर। जी सर जी, इस्माइल साहब, मैं यहाँ ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि डर तो दिखाया जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को, क्योंकि दो तस्वीरें सेट की जा रही हैं। एक तरफ अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, जो पूरा दमखम दिखा रही है कि मुस्लिम वोट उसे छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं है, पर आजम खान पर वो खुद खामोश रहते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि ओवैसी ही उनका तोड़ है। किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को उत्तर प्रदेश में, जो ओवैसी का फैक्टर निकल करके आ रहा है? नदीम अकरम साहब, आपका ये जो सवाल है ओवैसी साहब के ऊपर, मैं उस पर ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम इत्तेहाद की कोशिश में जी, और इत्तेहाद की कोशिश इतनी हद तक जाने वाली है कि ओवैसी साहब के दरवाजे पर और डॉक्टर अय्यूब के दरवाजे पर हमारी टीम जो है वो धरने पर बैठने वाली है और उनसे सवाल करने वाली है कि भाई अगर आप लोग इत्तेहाद करते हो तो पहले बताइए कि आपकी पार्टी का नुकसान क्या है, आपका क्या नुकसान है, आपके कार्यकर्ताओं का नुकसान क्या है, और उत्तर प्रदेश का क्या नुकसान है, देश का क्या नुकसान है, मुस्लिम समाज का क्या नुकसान है, ये सवाल लेकर के हम धरने पर बैठने वाले हैं। इसलिए ओवैसी साहब के ऊपर ज्यादा, अय्यूब साहब के ऊपर हम ज्यादा कमेंट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम इत्तेहाद की बात करते हैं। रही बात अखिलेश यादव की, वो अगर इस भरम में बैठे पड़े हैं कि मुसलमान कहाँ जाएगा, ये पिछली कहानी हो चुकी। अब मुसलमान उत्तर प्रदेश का कहाँ जाएगा, बस बहुत अनकरीब अखिलेश साहब आपको दिशा मालूम होना शुरू हो जाएगी, बस हमारी टीम जो है उत्तर प्रदेश में उतर जाए, फिर आपको सीखने को मिल जाएगा कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वाकई में अगर आप संजीदा हैं, संजीदी राजनीति करने वाले हैं, तो ये भरम निकाल दीजिए कि मुसलमान कहाँ जाएगा। मैं नदीम अकरम साहब एक वाक्य बता देता हूँ, 2019 के पहले जो हमने खत लिखा है तमाम पार्टियों के मुस्लिम अधिकार पत्र का, वो तब सबके दरवाजे लेकर के हम गए थे, लेकिन जब हम शरद यादव के दरवाजे पर गए तो उन्होंने वो पत्र जो है
बस यूं ही देखते ही उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया कि भाई आप लोग परेशान मत होइए, मुसलमान तो कब्र से निकलकर हम लोग को वोट करेगा, ये जुमला इस्तेमाल किया। लेकिन मुसलमान ने क्या किया, उनके ही कब्र से निकलकर तो जो आया लेकिन उन्हीं के खिलाफ वोट किया, वो हार कर आज घर में बैठे हैं। तो अखिलेश यादव जी ये भरम दूर कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में मुसलमान कब्र से निकलकर आपको वोट करेगा। जागरूक है और मैं नजर बनाए हुए हूँ, देख रहा हूँ, पूरे प्रदेश को देख रहा हूँ, मुसलमान जिस दिशा में जा रहा है मैं समझ रहा हूँ मुनासिब दिशा में जा रहा है। रही बात ओवैसी साहब के, ओवैसी साहब की पार्टी है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको अधिकार है चुनाव लड़ने का। और इन्होंने जो योगी जी ने जो कहा है कि भाई हम स्वागत करते हैं उनके बयान का, ठीक है भाई आप स्वागत करिए, किसी का भी स्वागत कर सकते हैं, तो आप तो आजाद हैं किसी के बारे में कुछ कहने के लिए। लेकिन योगी साहब हम भी उस बीच में आने वाले हैं, हमारी टीम भी आने वाली है। रही बात आपको तो शिकायत है कि भाई मुसलमान वोट नहीं देता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, किसी हद तक सही है, लेकिन जहां जहां उनके उम्मीदवार की ये होती है, अच्छे उम्मीदवार होते हैं जो मुसलमानों के टच में होते हैं, उनके काम काज आते हैं, वहां बीजेपी को भी मुसलमान वोट देता है। इसलिए योगी जी को भी संयम बरतना चाहिए, आप सरकार में हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, इस तरह के भाषे आपके लिए मुनासिब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भी जागरूक हो चुकी है, ये जो पोलराइजेशन का जो मामला है ये जनता समझ चुकी है, इस चुनाव में वो होने वाला नहीं। इस्माइल साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, आपने इत्तेहाद की बात की है, इत्तेहाद को लेकर के आप तमाम लोगों से मिल भी रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, क्या रिजल्ट इत्तेहाद का निकलता हुआ नजर आता है? क्योंकि हमने भी ये कोशिश की, तमाम लोगों से बात की, पर अंत में बात आकर के रुकती है ईगो क्लैशेस पर कि कौन उसको लीड करेगा। किस तरीके से आपको कामयाबी इसमें मिल रही है और अगर रुकावटें आ रही हैं तो वो रुकावटें किस वजह से आ रही हैं? हाँ नदीम अकरम साहब, देखिए इत्तेहाद जो है ये कोई बाजार में मिलने वाला सौदा नहीं है जी, कि अभी बाजार चले गए और जेब से पैसे निकाले झोला भर के सौदा ले आए। इत्तेहाद की कोशिश हमने 2012 20 जनवरी 2012 से शुरू की थी और उसका टाइम लिमिट हमने रखा था 10 साल, यानी जनवरी 12 में हमने रखा था और 22 की जनवरी तक ये इत्तेहाद जो है वो नजर आएगा। उसका कारण यह है नदीम अकरम साहब कि कुदरत का नियम जो है, कुदरत का कानून दुनिया भर में पूरे संसार में एक ही कानून चलता है। जब आप किसी चीज की बीज बोते हैं, मतलब अगर आम के बीज आप बोते हैं तो पहले सड़ती है, फिर कोफे निकलते हैं, फिर एक पत्ता निकलता है, फिर दो पत्ते निकलते हैं, फिर इसी तरह पत्ते पत्ते निकलते निकलते एक पौधा बनता है, फिर वो पौधा दरख्त में तब्दील होता है, फिर दरख्त के बाद उसमें फल और फूल लगते हैं, इसके लिए एक जमाना लग जाता है। सेम पोजिशन इंसान की भी है, वो भी एक छोटी सी बीज होती है और हम और आप यहाँ तक पहुँचने के वो एक बीज ही है जो हम इस शक्ल में आज यहाँ बैठे बात कर रहे हैं। परिंदों को देख लीजिए, जानवरों को देख लीजिए, हर किसी चीज को देख लीजिए, कुदरत का एक ही कानून है जो उसके प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हमने इतिहास को समझा था कि ये भी आज हम जो बीज डाल रहे हैं इसको पनपने के लिए, बड़ा होने के लिए 10 साल लगेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ब्रेक लग गया कोरोना आने की वजह से, लगभग 1.5 साल 1.5 साल हमारा इसमें से निकल गया, वरना आप लोग इस इत्तेहाद के पौधे को अब तक देख पाते थे। हमने भी तय किया है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट, नदीम अकरम साहब, जैसे कोई प्रोडक्ट अगर आप अपने फैक्ट्री में बनाते हैं, अपने कारखाने में बनाते हैं, तो पहले सैंपल बनाते हैं और सैंपल लोगों को पेश करते हैं कि भाई इस तरह के हमारा प्रोडक्ट होगा। हम यूपी को सैंपल की शक्ल में पेश करने वाले, यूपी में इत्तेहाद का सैंपल नजर आएगा ताकि उसके उसकी तरफ देश भर की नजर हो और लोगों का ध्यान उस तरफ आए कि भाई यूपी में इत्तेहाद हो गया है,
तो कैसे हो गया, क्यों हो गया, उस सैंपल के ऊपर लोग अमल करना शुरू हो जाएगा और देश भर में हो जाएगा। रही बात आप जो कह रहे हैं दिक्कत कहाँ है, देखिए किसी भी काम में दिक्कत तो आ रही है। जी बहुत आसानी से अगर ये काम इतिहास का हो जाता तो शायद बहुत सारे लोग कर ले जाते हैं, हमारी जरूरत नहीं होती। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ना हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना हमारी कोई एनजीओ है, ना हम किसी एनजीओ से जुड़े हैं। फिर आपका सवाल होगा कि फिर कैसे काम होगा। मैं आपका ध्यान दिला देता हूँ, जंगे आजादी जो है पूरे देश में, इतने बड़े देश में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसमें था तो कितना बड़ा विशाल देश रहा होगा, फिर वो जंगे आजादी जीती गई, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं जीती, किसी संस्था ने नहीं जीती, किसी तंजीम ने नहीं जीती है, वो मुहिम थी। हम तंजीम नहीं चला रहे हैं, हम पार्टी नहीं चला रहे हैं, हम मुहिम चला रहे हैं। आजादी की मुहिम के बाद जो है इस देश के अंदर ये सबसे बड़ी मुहिम है, जो बिल्कुल करीब उसका सैंपल आपको यूपी में नजर आएगा। रही बात दिक्कतों की, तो दिक्कत खड़ी करने वाले लोग दिक्कत खड़ी करते हैं और हम आंख बंद करके अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, हमें अपना काम दिखता है। दिक्कत खड़ी करने वाले तो मुझे नजर ही नहीं आते हैं, इसलिए उनकी तरफ हम देखते भी नहीं हैं, हम अपने मिशन पर लगे हैं और उस तरफ हम जा रहे हैं। यकीनन उत्तर प्रदेश में आपको सैंपल नजर आएगा इत्तेहाद का।